सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बीते दिन राजपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी प्रनीत कौर व हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इसी बात को लेकर आज राजपुरा के ईगल मोटल में भाजपा के जिला प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल ने भाजपा पंजाब के उप प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल, श्री राज खुराना जी के सपुत्र श्री तरुण खुराना, पार्षद शांति सपरा, संदीप जिंदल, श्री राजकुमार राय व मंडल प्रधान श्री संजय बग्गा को साथ लेकर एक प्रेस वार्ता के दौरान सबसे पहले तीन राज्यों में भाजपा की हुई जीत पर जहां सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, वहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए श्री जगदीश कुमार जग्गा द्वारा मंच से दिए गए अपने भाषण में कई बातों का खंडन करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं जिला भाजपा प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल की जुबानी। धन्यवाद। एक तो सब तो पहला मैं अपने पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं देशवासियों बधाई देनी चाहांगा कि असी तीन स्टेटां जिथे कदे साडी बीजेपी की एक या दो MLA तो वध कदे नहीं आए, अज उत्थे तीन स्टेटां दे विच साडी सरकार बन गई हैगी है और बहुत वड्डी गल माण वाली गल है जिथे कि 25 साल तो CPM उन्हां दा राज चले आ रहा सीगा, बीजेपी ने फतेह हासिल की है। मैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और अपने राजपुरा वासियों पंजाब वासियों देश वासियों बहुत बहुत लख लख बधाई कि साढ़े च कई पत्रकारों च मैं पेपर च पढ़िया भी बीजेपी के फुट उजागर हो, बीजेपी के कोई किसी किस्म की कोई फुट नहीं है, बीजेपी के बिल्कुल एक है मानयोग सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जी बैठे, ये साड़ी सीनियर लीडरशिप है, साड़े पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट ने सारे बिल्कुल साड़ी टीम एक हैगी है, साड़े च कोई किसी तरह का फर्क नहीं। और दूसरी गल कई ने ठीक है साड़ा कोई पार्टी के माड़ा मोटा जो कोई मन वटाव हों भी है तो असी अंदर बैठ के गल कर ली दी है, कोई ऐसी गल नहीं, घर के दो घंटे खड़कते रहते हैं, पर इहदा गलत मीनिंग ना कढ़िया जाए, साढ़े सारे च एक हैगी है, इहदे च कोई दो राय वाली गल नहीं हैगी, असी कट्ठे हो गए। जे मैं चाहता भी मैं कला जड़ा लड़ाई लड़न का, मेरे तो कल लड़ाई नहीं लड़ी है, जिहड़ी असी लड़ाई लड़ी है ये सारी टीम के सिर के उत्ते लड़ाई लड़ी है और असी लड़ाई भी बहुत वधिया लड़ी है, सरकार सारे सरकार के उल्ट जाके असी लड़ाई लड़ी है, फिर भी सानू पार्टी नू बहुत वड्डा हंगारा एक कार्यकर्तावां ने, असी कोई खर्च नहीं किया, असी सिर्फ हाथ जोड़न की राजनीति की है कि साढ़े तो तुसी विश्वास करो, सानू तुसी अपना आशीर्वाद दिओ, सानू लोगों ने अपना प्यार दिता, माण सत्कार दिता, 650 वोट सानू नौन परिवार के पई है, बहुत वड्डी गल है साढ़े वास्ते, माण वाली गल है। दूसरी गल कल परसों जिहड़ा उरे आपां नू पता ही होया, तुसी सारे पत्रकारां ने देखे ही हैगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ जिहड़े अकाली दल छड्ड के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीती है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए एक गल कही गई कि बहुतपुरी बरादरी के उत्ते महाराजा परिवार का बहुत वड्डा हाथ रहा, आशीर्वाद रहा, असी इस गल का बिल्कुल खंडन करते, साड़ी बहुतपुरी बरादरी के उत्ते किसी महाराजा परिवार का आशीर्वाद नहीं रहा। सो मैं उस गल का भी खंडन करदा कि सानू जिहड़ी असी उत्थों आए तो सानू जिहड़ी जमीन दित्ती, सानू रहण वास्ते जगह दित्ती, सानू कोई दान नहीं दित्ती। मैं बहुतपुरी बरादरी तो बिलोंग करदा, श्री तरुण खुराना जी बहुतपुरी बरादरी के, इन्हां दे फादर साहब किंग रहे ने, सारे राजपुरे नूं पता हैगा जो मान सम्मान खुराना जी ने अपनी बरादरी वास्ते करिया जिथे अड़े ने वो सारे नूं अपने शहर वासियों नूं पता है। उन्होंने कहा हैगा कि सानू मकान जिहड़े दित्ते अज साढ़े 2-2 करोड़ के ने, 200 करोड़ के ने, एक गलत गल, ये सानू जदों असी पाकिस्तान तो, मेरे बजुर्ग पाकिस्तान तो आए हैं, सानू जमीन लाट हुई भी है, सानू जगह लाट हुई है पाकिस्तान के बदले, जदों साडे बजुर्ग उत्थों जगह छड के आए साडा कलेम बनता सी,
साडे क्लेम दे बदले सानू जगह दित्ती गई और सानू उरे बसाया गया और सानू बसाने नाल सानू जगह अलाटमेंट की गई जिन्ने साडे क्लेम सी और जिहड़ी जगह सानू अलाट होई असीं उसदे अज भी किस तरह पैसे पे कर रहे जो उस टाइम दे रेट नाल सीगे अज आपां नू सारयां नू पता उस टाइम प्रॉपर्टी का की रेट हुंदा सीगा जो उस टाइम का रेट सीगा जी अगे आ जो उस टाइम का रेट सीगा असीं उस टाइम के हिसाब नाल पे कर रहे अज भी पे कर रहे और जिहड़ी गल कही है तीजी गल जिहड़ी उन्होंने कहा कि सरदार हरजीत सिंह गरेवाल अपनी जमानत नहीं बचा सके मैं एक गल फिर थोड़े मीडिया के माध्यम नाल कह रहा भरावां कि गरेवाल जी जोधे बंदे ने जेब खड़े ने जित हार हुंदी है किस्मत दी जित हार हुंदी है किस्मत दी ये हवा हुंदी है पार्टी दी ठीक है साडे एंटी इनकम वैसी सीगी असी 10 साल राज करिया सीगा लोगों ने जो फतवा दिता मंजूर किया असी जे गरेवाल जी नूं नवे आए सीगे नवे आण दे बावजूद भी पार्टी ने जो टिकट दे के भेजिया ठीक है सानू जिन्नियां वोटां पईयां पार्टी का पूरा मान सम्मान कदे गरेवाल साहब ने पार्टी का अपनी का सिर नहीं चुकन दिता इलैक्शनां तों बाद भी इलैक्शन हो गए इलैक्शनां तों बाद थोड़े सामने ही अज गरेवाल साहब जाके कले कले पिंड कले कले शहर दे विच काम कार कर रहे हैं कोई ये नहीं कि इलैक्शन सानू 20,000 वोट पई कि गरेवाल साहब ने कहा मैं अज मैं बीजेपी है बीजेपी पार्टी छड्डी तो दूजी पार्टी ज्वाइन नो गरेवाल साहब कहते जी पार्टी का कार्यकर्ता हाँ कार्यकर्ता रहांगा पार्टी चाहे टिकट देवे चाहे ना देवे ये पार्टी का जो फैसला होएगा असी उन्हें मनने योग होएगा और गरेवाल साहब ने लोगों के बीच विचर गए आपां नूं सारयां नूं पता तुसीं सारे मिलते रहने हर एक प्रोग्राम से जो फतवा दिता सानू मंजूर होया पर एक थोनू मैं दसदा कई लोग सत्ता नाल चलण वाले हुंदे जिहड़े साडे पार्टी के कार्यकर्ता जिहड़ा स्वयं सेवक है जिहड़ा साडे भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है वह सत्ता नाल चलण वाले नहीं वो चाहे सत्ता होवे या ना होवे अपनी पार्टी मान सन्मान सब तो पहला हो अपनी पार्टी वास्ते जो पार्टी का साडी का देश होएगा जो साडी हाईकमांड का उपरों देश हुंदा असीं उन्हूं लागू करदे गरेवाल जी ने अज तुसीं दस दो मैनूं कदे किसी नूं कहा होवे भी मैनूं तूं वोट पाई है जां नहीं पाई सारयां दे नाल लग के तन मन नाल सेवा कर रहे ने दिन रात इक करिया होया इन्हां ने सेवा कर रहे ने उहदा अपने राजपुरा की सेवा कर रहे सो मैं यही गल कहांगा कि इहो जिहे लोगों का कोई जिन्हां का नेम धर्म कोई नहीं हुंदा हैगा अज उरे 10 साल सरकार का आनंद माणिया तो मैं तो सुन रहा सीगा विचारी सीगी मैं तो सुन रहा सीगा कि 15 साल तो साडी यारी हैगी है तो इहदा मतलब 15 साल पार्टी नाल गरदारी करना भी बहुत वड्डी माड़ी गल है इस बंदे दे उत्ते ऐसे बंदे दे उत्ते कोई पार्टी मुड़ के दोबारा विश्वास नहीं करेगी ठीक है अज कांग्रेस की सरकार है आपां नूं सारयां नूं पता देश दे विच बीजेपी की हवा हैगी है और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की पंजाब दे विच सरकार बननी लगभग तय है जदों भी इलैक्शन हो जाए चाहे 2019 MP दे इलैक्शन नाल होण चाहे 4 साल बाद होण और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उन्हां कार्यकर्ताओं नूं मान सम्मान दिता जाएगा जिहड़े कार्यकर्ता दिन रात एक करके पार्टी की दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी की। इस प्रेस वार्ता में पहुंचे भाजपा के उप प्रधान व हल्का राजपुरा के इंचार्ज सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ने भी पहले जगदीश कुमार जग्गा का नाम ना लिए बिना अपने मन की पूरी भड़ास निकाली। जब पत्रकारों ने उन्हें नाम बताने के लिए कहा तो उन्होंने खुलकर पंजाब के मंत्रियों व जगदीश कुमार जग्गा का नाम बोलते हुए क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। थोड़ा जाते माध्यम कांग्रेस अपील करनी चाहता है कांग्रेस को ऐसे ऐसे जादूगर मिनिस्टर ने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ऐसा स्कूल इन्हां नूं खोलना चाहिए। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं प्रार्थना करदा कि सानू भी कुछ ना कुछ जनता नूं आम नूं सिखाउण कि एक गरीब आदमी 100 करोड़ का ठेका किवें लै सकदा, सिक्का उछाल के मुकद्दर का फैसला किस जादूगरी नाल हुंदा। जिहड़े अपने इलैक्शन च ये कहिंदे आ कि ये जिहड़ा कैंडीडेट मेरे सामने खड़ा उहदे बारे कि भाई ये कैंडीडेट जिहड़ा हैगा यह बहुत गलत काम करता रहा, नकली नोटा का भी करता रहा, होर भी करता, असी नहीं, मैं नहीं कोई आरोप लाउंदा, व्यापचारी आ जां इस तरह का सट्टेबाज आ जां फलानाबाज आ जो जो भी कहा चीज़ का, क्योंकि ऐसे लोगों नूं जिन्हां बारे वह इदां दीआं गल्लां करदे ने वह कांग्रेस के अंदर ही उन्हों का स्थान बढ़ता, उहदा भी असीं स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी नेचर के व्यक्ति नूं अपने नाल लै लिया, ये बहुत वधिया कीता, इहदा भी धन्नवादी हाँ असीं, क्योंकि साडी पार्टी च जां साडे संगठन च ऐसे लोगों का कोई स्थान होया ही नहीं करता। तो इसलिए जिहड़े इस तरह के अंसर कहन जां इस तरह दीआं गल्लां करन अपने सही स्थान पर सही व्यक्ति चला जाए वह भी एक बहुत भागां वाली गल हुंदी आ, ते इहदे लई वी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। और फिर जिहड़ा इह कहना हमने नागपाल जी ने दस्सिया ही आ भई 2 लख बरादरी दी वोट आ, ते 2 लख भाई तूं तेरे नाल ही जाणा सारिआं ने हले मानस, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ राणा गुरजीत ने 12,000 रुपए वाले बंदे 100 करोड़ का ठेका लवाता जो तुम किसी बंदे का एलीगेशन लो ना यू मस्ट टेक द नेम ऑफ द नहीं मैं तो एलीगेशन नहीं लाया ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਮੇ ਸਬਕੋ ਏਕ ਮੰਚ ਪਰ ਬਿਠਾ ਕਰ ਯੇ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੇ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਟੀਮ ਮੇ ਕੋਈ ਫੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕੇ ਖੇਮੇ ਮੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਓਂ ਕੀ ਭਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਉਨਕੇ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਨੇ ਅਭੀ ਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਨਿਊਜ਼ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।